alaikum everyone, welcome to VocabGram. Let's learn 10 more daily use English words with Urdu and Hindi. Meaning, watch this lesson till end because you are gonna learn many new words, and this lesson is going to be very interesting. So let's begin. Our first word is confectioner. Confectioner ka matlab hota hai one who makes and sells sweets. Or Urdu Hindi means ka matlaboga halwai. देखिए वो इंसान जो के मिठाइया बनाता है और उनको बनाकर उसको बेचता है जिसको कि हम उर्दू और हिंदी में हलवाई कहते हैं उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो कन्फेक्शनर है और इसका सेंटेंस होगा माई अंकल इज अ कन्फेक्शनर एंड ही कुक्स डिलीशियस कन्फेक्शनरीज कि मेरे जो अंकल है वो एक हलवाई है और वो बहुत ही डिलीशियस डिलीशियस का मतलब होता है मजेदार टेस्टी ये बहुत ही डिलीशियस कन्फेक्शनरीज बनाते हैं मतलब कि बहुत ही डिलीशियस बनाते हैं देखिए हलवाई के लिए वर्ड कन्फेक्शनर है और जो मिठाई है उसके लिए वर्ड कन्फेक्शनरी है और जब आप मिठाई की प्लूरल करेंगे तो वो कन्फेक्शनरीज हो जाएगा ठीक है देखिए मिठाई को स्वीट्स भी कहते हैं लेकिन उसको कन्फेक्शनरी भी कहते हैं ठीक है ठीके? हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मिस्ट्री मिस्ट्री का मतलब होता है समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और उर्दू और हिंदी में इसका मतलब होगा पुरसरार रहस्य अः कोई ऐसी चीज जिसकी हकीकत ना पता चल रही हो कोई सिचुएशन हो सकती है कोई इंसान हो सकता है आपने बड़ा सुना होगा ना मिस्ट्री वुमन मिस्ट्री वुमन का मतलब ये कि ऐसी कोई औरत जिसके बारे में पता न चल रहा हो कि वो कौन है ठीक है तो अक्सर उसके साथ कह दिया जाता है वो मिस्ट्री वुमन है कि जिसके बारे में मालूम नहीं है कि वो है कौन उसकी हकीकत नहीं किसी को पता है ठीक है कोई नोवेल कोई कहानी को भी कहा जाता है मूवीज में भी कहा जाता है कि बड़ी मिस्ट्री है इसके अंदर मतलब कि जिसमें के कोई पूरा सी हो जिसके कि जो असल जो असल असल पॉइंट है है हकीकत वो पता ना चल रहा हो ठीक है तो उसको हम मिस्ट्री कहते हैं और इसकी इंग्लिश इसके सेंटेंस होगा आई कैन सॉल्व दिस मिस्ट्री मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ मतलब कि ये जो जो भी पुरस्कार चीज है मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी हकीकत क्या है मैं इसकी हकीकत तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ ठीक है हमारा नेक्स्ट डेली यूज इंग्लिश वर्ड है इन एडिक्वेट इन एडिक्वेट का मतलब होता है इनसफिशिएंट ना काफी अपर्याप्त देखिये कोई भी चीज जितनी उसकी जरूरत हो अगर वो चीज उतनी ना हो जरूरत से कम हो तो उसको कहते हैं हम इन एडिक्वेट इन भी उसके लिए वर्ड है और इन एडिक्वेट भी उसके लिए वर्ड है जो कि ना काफी जैसे फॉर एग्जांपल अगर छह लोग खाने वाले हैं और जो खाना है वो तीन लोगों का मौजूद है इसका मतलब है कि जो फूड अवेलेबल है वो इन है क्योंकि छह लोगों का को खाने की जरूरत है वो भूखे हैं लेकिन खाना जो अवेलेबल है वो तीन लोगों का है तो इसका मतलब है कि फूड जो है वो इनसफिशिएंट है इनएडिकुएट है वो ना काफी है ठीक है और इसका सेंटेंस होगा योर एफर्ट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आर इन कि तुम्हारी जो कोशिशें हैं एफर्ट का मतलब होता है कोशिश कि तुम्हारी जो कोशिशें हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ना काफी है वो इन है मतलब कि तुम्हें मजीद कोशिश करने की जरूरत है जितनी तुम कोशिश कर रहे हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अभी काफी नहीं है इससे मजीद तुम्हें कोशिश करने की जरूरत है ठीक है हमारा नेक्स्ट डेली यूज इंग्लिश वर्ड है फेटल फेटल का मतलब होता है कॉजिंग डेथ मोहलिक जानलेवा Uh, कोई बीमारी होती बीमारी के लिए ये वर्ड ज्यादातर यूज किया जाता है फेटल के फेटल है फेटल फेटल ये बीमारी कोई बीमारी वो इस तरह की हो कि वो इंसान की जान ले सकती है इसका मतलब है कि वो फेटल बीमारी है जैसे बुखार या नजला जुकाम होता है ये फेटल नहीं है क्योंकि इसे किसी की जान नहीं जाती है खुदा ना खास्ता ठीक है तो अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि किसी किसी इंसान की जान ले सकती है तो वो फेटल है ठीक है और इसका सेंटेंस होगा दिस डिसीज इज फेटल टेक ऑल द प्रकॉशन कि ये जो बीमारी है ये फेटल है ये जानलेवा है मोहलिक है ये डेथ कॉज कर सकती है तो टेक ऑल द प्रिकॉशंस के तमाम जो एहतियाते हैं प्रिकॉशन का मतलब होता है एहतियात लेना जैसे अभी हम देख रहे हैं जो सिचुएशन वक्त पूरी दुनिया गुजरी जो कोविड की सिचुएशन है तो इसमें प्रिकॉशंस बताई जा रही है ना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें जितनी भी एसओपीस हैं वो बताए जा रहे हैं कि अगर आपने घर से बाहर निकलना तो इन एसओपी को जो है वो फॉलो करें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें तो ये प्रिकॉशंस है ठीक है क्योंकि जो इस वक्त कोविड है वो एक फेटल डिजीज है ठीक है हमारा नेक्स्ट जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है मग मग का मतलब होता है टू रॉब समवन इन पब्लिक प्लेस लूटना किसी इंसान को पब्लिक प्लेस के ऊपर जिसको कहते हैं दिन दहाड़े लूट लेना उसको मग करना कहते हैं कि पब्लिक प्लेस के ऊपर किसी इंसान को सबके सामने आ, उसके जो भी उसके पास पैसे हैं या उसके पास गाड़ी है या कोई खातून है उसका पर्स है उसकी ज्वेलरी है वो लूट लेना उसको उसको मग करना कहते हैं और इसका सेंटेंस होगा टू मैन मगड हिम एंड स्टोल ऑल हिज मनी कि दो आदमियों ने उसको पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है वो उसको लूटा और उसके तमाम जो पैसा था उसे उसे लूट लिया उन्होंने ठीक है नेक्स्ट वर्ड इमोटल का मतलब होता है लिविंग फॉर एवर लाफानी जिसको हिंदी में कहेंगे अमर कि कोई चीज अगर उसके बारे में ये कहा जाए कि ये हमेशा रहेगी ये चीज कभी खत्म नहीं होगी जिसका मतलब कह रहे हैं कि वो चीज़ इमोडल है ठीक है कि ये लाफानी है ये अमर है ये कभी खत्म नहीं होगी ये हमेशा रहेगी और इसका सेंटेंस होगा नो बेंग इज इमोटल कि कोई भी जो चीज है ना इस दुनिया में वो इमोटल नहीं है वो लाफानी नहीं है वो अमर नहीं है कोई हर चीज जो है ना वो एक पॉइंट आता है उस पॉइंट पे जाकर वो खत्म हो जाती है ठीक है तो कोई भी चीज जो है वो इमोटल नहीं है Our next daily use word is gist. Gist का मतलब होता है समरी एसेंस जिसको के उर्दू में जिसका मतलब होगा खुलासा और हिंदी में जिसका मतलब होगा सार सारे देखिए एक कोई बात है उस बात का जो भी एक्सप्लेनेशन उसकी दी जा रही है उस एक्सप्लेनेशन का या जो कोई आर्गुमेंट हो रहा है या कोई चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है उस एक्सप्लेनेशन का या उस आर्गुमेंट का जो मेन पॉइंट होगा ना वो उसका जिस्ट होता है जैसे कि कोई किसी किसी कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं कोई बड़ा बड़ा सारा आर्टिकल लिखा गया बड़ा लंबा सा, लेंथी सा अब वो आर्टिकल में जो राइटर है वो मेन पॉइंट कहना क्या चाह रहा है जो भी वो मेन पॉइंट है जिसको कि वो इतने बड़े आर्टिकल में इलाबोरेट कर रहा है वो मेन पॉइंट जो है ना वो उसका जिस्ट है जो उसकी समरी या उस आर्टिकल की जो एसेंस है वो उसका जिस्ट है ठीक है इसी तरह से किसी argument का मेन पॉइंट क्या है कि किस किस वजह से हो रहा है किस बात पे बातेंट हो रहा है वो उसका जिस्ट है ठीक है तो जिस्ट का मतलब हुआ किसी भी चीज का खुलासा या उसका जो उसकी जो समरी है या उसका जो एसेंस है या उसका जो क्या मेन पॉइंट है ठीक है इसको सेंटेंस में आप इस तरह से यूज करेंगे द जिस्ट ऑफ दिस ऑर्ग्यूमेंट इज ही डजंट वांट टू वर्क हियर कि जो भी इस वक्त ऑर्ग्यूमेंट चल रहा है ना उसका जिस्ट ये है उसका मेन पॉइंट ये है उसका एसेंस ये है कि वो यहाँ काम नहीं करना चाह रहा है इस मेन पॉइंट की वजह से ये इतना सारा जो आर्गूमेंट इसको चल रहा है जो बहस मुबासा चल रहा है वो इस मेन पॉइंट की वजह से चल रहा है तो जिस्ट उसका ये है हमारा नेक्स्ट डेली यूज इंग्लिश वर्ड है ऑडियल ऑडियल का मतलब होता है अ प्रोलॉन्ग पेनफुल एक्सपीरियंस जिसको उर्दू में जिसका मीनिंग होगा आजमाइश और हिंदी में जिसको हम अग्नि परीक्षा बोलते हैं ठीक है अब ये लाइफ का हिस्सा है लाइफ में आजमाइशें आती हैं कोई एक लंबी आजमाइश आ गई है कोई पेनफुल एक्सपीरियंस आ गया है जो कि लंबा भी रहा है वैसे छोटे को भी कह सकते हैं लेकिन अगर कोई लंबा है और कोई बहुत ज्यादा है जिसमें आ, सही में किसी इंसान की अग्नि परीक्षा हो गई उसकी आजमाइश होगी इतना पेनफुल एक्सपीरियंस अगर उसको करना पड़ा तो वो इस इंसान का ऑडियल होगा ठीक है और इसको आप सेंटेंस में इस तरह से यूज करेंगे हर लाइफ ऑडियल मेड हर ंग एंड वाइज कि उसकी जिंदगी की जो आजमाइश थी या उसकी जिंदगी की जो अग्नि परीक्षा थी वो कुछ भी हो सकता है हर इंसान की जिंदगी की मुख्तलिफ आजमाइशें होती हैं तो उसकी जिंदगी की जो भी आजमाइश थी ना उसने उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया और उसको वाइज बना दिया कि वो मजबूत हो गई और वो पहले से समझदार हो गई ठीक है जो हमारी आजमाइशें होती ना वो हमें स्ट्रोंग ही बनाती हैं और हमें समझदार बनाती हैं हमारा नेक्स्ट डेली यूज वर्ड है मिड वाइफ मिडवाइफ कहते हैं कैसे इंसान को पर्सन हु असिस्ट वुमन इन चाइल्ड बर्थ जिसको कि उर्दू में दाया या हिंदी में जो दाई बोला जाता है ठीक है मतलब कि वो इंसान जो कि जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है उस वक्त जो जो भी खातून होती हैं या जो वो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको जो वो संभालते है उसको जो वो असिस्ट करते हैं तो उनको हम मिडवाइफ कहते हैं और ये प्रोफेशनली जो ना ट्रेन लोग होते हैं इनको पूरी इस चीज़ की ट्रेनिंग होती है उनको पता होता है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है वो खातून को कैसे संभालना है या वो न्यू बॉर्न बेबी को कैसे संभालना है तो उसको हम इंग्लिश में जो उसका वर्ड है वो मिडवाइफ है और इसका सेंटेंस होगा शी वर्क एज अ मिडवाइफ फॉर टेन ईयर्स कि उसने एक मिडवाइफ के तौर पर एक दाइया के तौर पर दस साल जो है उसने काम किया है रास्ता भी ठीक है तो आप ये ना वट इज द वे टू शॉप के दुकान का रास्ता क्या है दुकान के तरफ जाने का रास्ता क्या है ठीक है तो उसके लिए भी वे वर्ड यूज होता है और रास्ते के मीनिंग में ये वर्ड मोस्टली लोगों को पता होता है ये जो सेकेंड मीनिंग है तरीका ये जरा कम पता होता है तो इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसको शामिल किया है मेथड स्टाइल किसी भी चीज का तरीका क्या है करने का वो भी उसके लिए भी आप ये वर्ड वे जो है वो इसको यूज करेंगे ठीक है इसको सेंटेंस में आप समझिए इस तरह से कि आई लाइक द वे यू हैंडल दिस सिचुएशन कि मुझे आपका जो इस सिचुएशन को हैंडल करने का जो आपका तरीका था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा अक्सर लोग कहते हैं ना कि आई लाइक द वे यू टीच आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है या आई लाइक द वे यू स्पीक आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है ठीक है तो यहाँ पर वे जो है वो तरीके के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है वे का मतलब रास्ता भी है वे का मतलब तरीका भी है मेथड या स्टाइल भी है ठीक है ओके okay जी हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया आपने कुछ नए वर्ड्स सीखे हैं इन वर्ड्स को अपनी जो डेली लाइफ कन्वर्सेशन है उसके अंदर इसको, इसको इस्तेमाल कीजिए और या आपकी इंग्लिश स्पोकन जो है जो आपकी फ्लुएंसी है उसको इम्प्रूव करने में मदद करेंगे ठीक है जी और ऐसे ही